वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साहिबा बुटीक। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही खूबसूरत लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान है और बहुत ही खूबसूरत है। शोल्डर 6.5 इंचेस, मैंने गले के डिज़ाइन के लिए यहाँ पे यू शेप का नेक ड्रो किया है। आज मैं आपको यू शेप पे एक बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन बनाकर बताऊंगी। आप वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। अब मैं 1.5 इंचेस भी एक और मार्क करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड बटन क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे यूट्यूब फैमिली में शामिल हो जाएं। अब मैं यहाँ पे डिज़ाइन के लिए मैंने ये कैप लिया है जिसे मैं राउंड शेप दूंगी, जो मुझे छोटी छोटी राउंड शेप देनी है। मैं इसे इस तरीके से बिल्कुल बीच पे से स्टार्ट करती हूँ। अब मैं इसे रखते हुए इसके किनारे से मार्क कर लूँगी। इसी तरीके से मैं आगे की तरफ भी इसे बिल्कुल हाफ पे रखूंगी और फिर इसे मार्क कर लूंगी। इसी तरीके से मैं पूरे गले पे इसे मार्क कर लूंगी। जब भी हमारी ब्लाउज डिजाइन पूरी तरीके से बन के तैयार होगी तो आप देखिएगा, ये बहुत ही खूबसूरत ब्लाउज डिजाइन बनने वाली है, जो कि आपके ब्लाउज पे 4 चांद लगा देगी और जो आपके फ्रेंड्स है या फिर आपके पड़ोसी है वो देखते रह जाएंगे आपके ब्लाउज डिज़ाइन को। और आपको ये पूरी तरीके से मैंने इस पर मार्क कर लिया है। ये मैं बॉक्रम ले रही हूँ, मैं इसको इसके ऊपर रख कर और इस बॉक्रम पे भी उसका मार्क कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, बहुत लोगों की कमेंट्स आ रही थी कि आप मुझे बोलकर समझाएं ताकि मुझे समझने में, डिज़ाइन को समझने में आसानी हो। तो मैंने ये कोशिश किया है कि मैं आपको बोलकर भी समझाऊं और आपको डिज़ाइन को समझने में काफ़ी आसानी हो। और आप इसे ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको इसे बनाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई और जो बनकर आपकी ब्लाउज तैयार हुई है वो बिल्कुल ही खूबसूरत बनी हो कि मैं आपसे ये उम्मीद कर सकती हूँ। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना कि आपने इसे ट्राई किया या नहीं और मेरा जो डिज़ाइन है वो आपको कैसा लगा। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगी और आप जो कमेंट्स करते हैं मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। तो प्लीज़ आप कमेंट्स भर भर के किया करें। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, मेरे डिज़ाइन पसंद आते हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे आगे वीडियो बनाने में सपोर्ट मिल सके और आप लाइक करके मुझे अपना भर भर के प्यार दे सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बार भी मुझे इस वीडियो में अच्छे लाइक्स मिलेंगे। ये मैंने बोकरम को कट कर लिया है। अब इसे मैं ब्लाउज में आयरन की मदद से पेस्ट कर लूँगी या आप इसे ब्लाउज पे रख कर स्टिच भी कर सकते हो। तो मैं इसमें इसे आयरन की मदद से पेस्ट कर लेती हूँ और मैं नीचे की साइड में मैंने ब्लाउज के फैब्रिक को रखा है ऊपर से अस्तर को रखते हुए। अब मैं इस पर स्टिच लगा लूँगी। बिल्कुल यहाँ पे हमें ध्यान से स्टिच करनी है ताकि जो हमारी गोलाई है वो बिल्कुल अच्छे से आए। आप धीरे से आराम से इसमें स्टिच करें।
ताकि आपको जो डिज़ाइन है वो बहुत ही अच्छे से बन पाए। यहाँ पे आपको बिल्कुल स्पीड नहीं करना है, आराम से सारी स्टिचिंग को करनी है। जैसा कि मैं हाथ को घुमाते हुए सारे को गुलाई दे रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से आप इसे ट्राई करें, आपसे भी ये बिल्कुल हो पाएगा। पूरे गले पे स्टिच हो चुकी है, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। पहले यू शेप में से कट कर लेती हूँ, फिर मैं इसकी बारीकी से कटिंग करूँगी, जो मैं आपको कर आप कर दिखाऊंगी अभी वीडियो पे। हमें बिल्कुल इस तरीके से हल्का सा मार्जिन छोड़ते हुए और पूरे डिज़ाइन से हमें इसे कट कर लेना है। मैंने वीडियो में बहुत ही क्लियरली आपको दिखाया है, आप यहाँ पर थोड़ा बारीकी से कटिंग करें आराम से। और जो हमारी कॉर्नर बन रही है, हम वहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे, क्योंकि जब हम इसे अंदर की तरफ पलटेंगे तो आसानी से आराम से फिनिशिंग के साथ पलट जाए। तो आप देख सकते हैं मैंने कैसे राउंड वाली जगह पे छोटे छोटे कट्स कट कर लिए हैं, आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से कट कर लेनी है। तो मैं इसे पलट लेती हूँ। मुझे आप लोग के साथ अपने वीडियो को शेयर करना, आप लोग से बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं चाहती हूँ कि आगे भी हम इसी तरह आप लोग से मिलते रहे, बात करते रहे, मैं अपनी वीडियोज आप तक शेयर कर सकूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली वो और भी बड़ी हो, ताकि मैं और इसमें इंजॉय कर सकूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो नए हैं यहाँ पे, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी यूट्यूब फैमिली में आप भी शामिल हो सको और आप भी मेरे साथ ऐसे बेहतरीन डिज़ाइन सीख सको और मैं आपको सिखा सकूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो थैंक यू फ्रेंड। अब मैं अस्तर के चारों साइड पे स्टिच कर ली हूँ। अब जो हमारी एक्स्ट्रा फैब्रिक है, मैं उसे कट कर लेती हूँ। हमने बहुत ही पतले लेस का यूज किया है, ताकि हमारी जो डिजाइन है वो और भी उभर कर आए और भी खूबसूरत लगे। तो आप इस तरह के लेसेस भी यूज़ कर सकते हैं, ये मार्केट में बहुत ही आसानी से अवेलेबल होती हैं, जो कि हमारे ब्लाउज को और भी खूबसूरत बनाती है। तो मैंने जो राउंड डिज़ाइन ड्रो किया था, मैं उसी के ऊपर इस लेस को लगा रही हूँ, आप जैसा कि वीडियो में बहुत ही अच्छे से देख सकते हो। हमें इसी तरीके से पूरे ब्लाउज पे इसे अप्लाई कर लेना है। आप देख सकते हो लेस लगने के बाद ये डिज़ाइन और भी खूबसूरत लग रही है। तो आप सोच ही सकते हो कि जब हमारी डिज़ाइन पूरी बनकर तैयार होगी तो ये कितनी खूबसूरत लगने वाली है। तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो देखने के बाद भी कोई डाउट होता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उनका आंसर देने की जरूर कोशिश करूँगी। ये मैंने पूरे ब्लाउज पे इसे लेस को लगा लिया है। ये हमने जो गला कट किया था, हम उसके लिए एक बॉक्रम लिए हैं और उसके साइड पे मैंने ये मार्क करते हुए इसकी कटिंग कर ली है। जो हमारी गले का मेन शेप है, हम उसको उसके अकॉर्डिंग इस बकरम को कट कर लेंगे। इसे मैंने येलो फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है और किनारे से कट कर लिया है। ये मैंने अस्तर का फैब्रिक लिया है, जिसको इसको ऊपर रख कर और गले के शेप के अकॉर्डिंग उसमें स्टिच कर लेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरा वीडियो तो वॉच करते हैं, उनको मेरे डिज़ाइंस भी पसंद आते हैं, वो अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हैं, लेकिन बहुत कोई है जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे यूट्यूब फैमिली में शामिल हो जाए, ताकि मैं ऐसे ही और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। मुझे आप सबके साथ अपने वीडियोज़ को शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। आप लोग के साथ जी ये सब डिज़ाइन आप लोगों को बताना मुझे बहुत अच्छा लगता है।
आप प्लीज़ इसी तरीके से मेरे फैमिली में शामिल हो जाए ताकि हम और इसी तरह के अच्छे अच्छे डिज़ाइन देख सकें और भी बहुत सारी मस्तियाँ कर सकें। अब इसे पलटने के बाद इसे किनारे पे भी मैं स्टिच कर लूँगी और जो हमारी एक्स्ट्रा फैब्रिक है मैं उसे कट कर लेती हूँ। कुछ इस तरीके से नजर आएगा। मैंने ये दो बॉक्सेस फैब्रिक के कट कर लेके रखे हैं, ग्रीन वाली 3 इंचेस की है, येलो वाली 2.5 इंचेस की है। अब मैं इसे डिज़ाइन बनाऊंगी तो मैंने ग्रीन का फैब्रिक लिया, इसे फोल्ड करते हुए एक डिज़ाइन तैयार किया है। अब मैं इसे किनारे पे इसे स्टिच कर लूँगी। मैं दोबारा इसे दिखाती हूँ। मैंने फैब्रिक लिया, इसे एक बार फोल्ड किया, फिर मैंने दूसरी बार इसे तिकोना शेप देते हुए फोल्ड किया और फिर इसके किनारे पे स्टिच कर ली। इसी तरीके से हम सारे फैब्रिक पे तिकोना सिंघाड़ा बनाते हुए डिज़ाइन बना लेंगे। ये मैंने येलो फैब्रिक पे भी इसी तरीके से फोल्ड करते हुए इसे स्टिच कर लिया। अब मैं इसे कट कर लेती हूँ, अलग अलग पीसेस में कट कर लिया। अब इसे हम इस तरीके से अटैच करेंगे ताकि इसमें एक और डिज़ाइन तैयार हो। मैंने पहले ग्रीन वाला सिंघाड़ा लिया, फिर ऊपर से येलो वाला सिंघाड़ा रखते हुए इसके किनारे पे स्टिच कर लिया। अब ध्यान दे रहे होंगे मैंने थोड़ा स्पेस छोड़कर येलो वाले सिंघाड़े को रखा है, जैसे कि मैंने दूसरे में भी आपको दिखाया और तीसरे वाले में भी मैं इसे रखकर दिखा। इसी तरीके से हमें और भी डिजाइन तैयार कर लेने हैं। अब इन डिजाइन को मैं ब्लाउज पर अटैच करूंगी। तो मैंने ये ब्लाउज का पीस लिया जिसे बराबर फोल्ड करते हुए नाखून की मदद से इसमें एक मार्क बना लिया है। अब मैं ये येलो वाला जो डिजाइन है उसे भी लेते हुए इसे भी बीच में फोल्ड करते हुए बीच में एक मार्क कर लूंगी ताकि जब इसे ब्लाउज के साथ अटैच करूँ तो ये छोटा बड़ा ना हो। ये दोनों मार्क एक साथ मिलाते हुए बीच के साइड से मैं अपने ब्लाउज को इस डिज़ाइन के साथ अटैच करूंगी। बिल्कुल इस तरीके से मैं सेट कर लेती हूँ और पिनअप भी कर सकते हैं आप। ये मैंने डिज़ाइन लिया जो मैंने बनाया था, अब इसे मैं ब्लाउज में अटैच करूंगी। तो आप देख सकते हैं मैंने अपने ब्लाउज वाले फैब्रिक उठाया और तीन जो हमारा तीन कोना वहाँ पे बन रहा है, कॉर्नर बन रहा है, मैं वहाँ पे इसे बिठाते हुए उसमें स्टिच कर लूंगी। तो आप आगे वीडियो में और भी अच्छे से देख सकते हो कि मैंने अपने डिजाइन को किस तरीके से सेट करते हुए पे स्टिच कर लिया है। बिल्कुल हमें हमारे पूरे ब्लाउज पे इसी तरीके से अपने डिजाइन को अटैच करते हुए डिजाइन को कंप्लीट करना है। तो आप वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि इसके बाद एक और डिजाइन हम इसमें ऐड करेंगे जो कि हमारी ब्लाउज को और भी खूबसूरत बना देंगी। जब ये ब्लाउज बनकर तैयार होगा ना तो आप देखिएगा ये बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। अगर आप इसे बनाकर पहनोगे, यूज करोगे तो मुझे पता है कि आपकी जो फ्रेंड्स हैं, सहेलियां हैं, आपके जो पड़ोसी हैं, वो पक्का आपके ब्लाउज को देखकर बिना तारीफ किए हुए रह नहीं सकेंगे। तो आप इस डिजाइन को देखें, ये बनाने में बहुत ही आसान है और दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है और आपके ब्लाउज डिजाइन को, आपके साड़ी को बहुत ही खूबसूरत बना देगी। अब इसे ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपसे ये डिज़ाइन कैसी लगी, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आपने इसे ट्राई किया है तो ये बनकर किस तरीके से तैयार हुई। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगी क्योंकि जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ ना तो मुझे बहुत ही मोटिवेशन होता है ताकि मैं और भी आगे आप सबके लिए इसी तरीके के ब्लाउज के डिजाइन बना सकूं। तो आप देख सकते हो ये अभी इतनी खूबसूरत लगी है, तब जब ये बनकर पूरी तैयार होगी तो कितनी खूबसूरत लगेगी। मैंने इस डिजाइन को बनाने के लिए थ्रेड यूज किया है। मैं आपको बताती हूँ कि हम इस थ्रेड को किस तरीके से यहाँ पे यूज करेंगे। मैं यहाँ पर एक डिजाइन ड्रॉ कर रही हूँ, हम इस पे ही थ्रेड चलाएंगे जो कि हमारी डिजाइन को और भी खूबसूरत बना देगी। तो आप देख सकते हो इसी तरीके से हम इसमें ये थ्रेड लिया है। मैंने थ्रेड को 2 फोल्ड में कर लिया है ताकि डिजाइन और भी उभर कर आए। अब इसे मैं इस मशीन पे लगा लेती हूँ ताकि हम अब डिजाइन बना पाएंगे। इस तरीके से हमें मशीन को यहाँ पे रखते हुए और इस तरीके से इस डिजाइन के ऊपर हमें स्टिच करना है, घुमाकर फिर इसी सिलाई पर हम एक और स्टिच लगा लेंगे ताकि और पक्की हो जाए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा मैंने किस तरीके से इस डिजाइन को बनाया है। अब दूसरे में भी मैं इसे आपको बनाकर दिखाती हूँ ताकि ये आपको और भी अच्छे से समझ में आए। एक और आपको बनाकर दिखाती हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो।
अगर आपको किसी तरह का कुछ डाउट होता है इस डिजाइन को बनाने में, इस वीडियो को देखने में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, जरूर उसका आंसर देना चाहूंगी। इसी तरीके से हमें पूरे ब्लाउज पे इस पे बना इस डिजाइन को बना लेना है। देखिए फ्रेंड्स, ये बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे हम और भी खूबसूरत बनाने के लिए इसमें और भी हम ऐड करेंगे, हम इस पे मोती ऐड करेंगे ताकि ये और भी खूबसूरत लगे। तो आप देख सकते हैं मैं इसके ठीक ऊपर वाले पॉइंट पे मोती अटैच कर रही हूँ ताकि ये और भी हेवी और भी खूबसूरत लगे। तो आपको वीडियो में अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि मैंने किस तरीके से इसमें मोती अटैच किया है। तो आप भी इसी तरीके से इसमें मोती अटैच कर लेंगे ताकि आपकी डिजाइन और भी खिल जाए। इसी तरीके से हमें पूरे डिजाइन पे मोती को अटैच कर लेना है। अगर आपको मेरे डिजाइन पसंद आ रहे हैं और आपको इसी तरीके के डिजाइन देखना पसंद है तो आप इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। रेड बटन को क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे YouTube फैमिली में जल्दी से शामिल हो जाएं ताकि हम इसी तरह के और भी खूबसूरत डिजाइन आपके लिए ला सकें और आप इसे देख सकें और सीख सकें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी तक आप लोगों ने इस डिजाइन के लिए मुझे ढेर सारे लाइक्स दे दिए होंगे। मैं इस बार देखना चाहूंगी कि इस डिजाइन के लिए मुझे कितने लाइक्स मिलते हैं ताकि मैं और भी आगे इसी तरह के डिजाइन आप सबके लिए लाती रहूं, खूबसूरत डिजाइन। आप देख सकते हैं कि जब पूरा ब्लाउज डिजाइन बनकर तैयार हुआ तो कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आप सोचिए कि जब ये आप जब इसे पहनोगे बनाकर तो ये कितना खूबसूरत आप पे लगेगा। मैं चाहूंगी कि आप इसे जरूर ट्राई करें, बनाएं और ये आपसे बहुत ही आसानी से बन सकता है, तो आप इसे ट्राई करें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, हैप्पी न्यू ईयर।